अस्सलाम वालेकुम। इलस्ट्रेटर की आज की क्लास के अंदर हम ये वाला फैक्ट सीखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी भी शेप को आप जो है वो नियॉन ग्लो में कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। इससे पहले मैंने सिंपल टेक्स्ट को ग्लो करना दिखाया था मैंने लास्ट वीडियो। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ पर आप जाके वो देख सकते हैं कि टेक्स्ट को हम कैसे ग्लो इफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। और आज जो है वो हम शेप्स को नियॉन या ग्लो इफेक्ट में चेंज करेंगे। मैंने एक ब्लैंक फाइल ले ली है, इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेता हूँ। सिंपल रेक्टेंगल जो है वो 1920x1080 पिक्सल्स का मैंने ले लिया है। उसके बाद इसको ओके किया और यहाँ पे जो है वो मैंने इसको सेंट्रलाइज कर लिया। ठीक है, सेंट्रलाइज करने के बाद इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डार्क यहाँ से डार्क ही शार्प ले लेना है। क्लिक ओके किया और यहाँ पे कलर स्वाचेस में इसको क्या कर लेना, आपने ऐड कर लेना और यहाँ पे ग्लोबल जो है वो इसको क्लिक करके ओके कर देना, एक स्वाच जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक और आपने लेना है यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा और डार्किश यहाँ पे एरिया ले लेना, ब्लैक से सिमिलर ही होगा लेकिन आपने क्या करना है इसको डार्क रखना है। ठीक है, ओके करना है और यहाँ पे इसको भी क्या करना है, कलर स्वाचेस में ऐड कर लेना और ओके कर देना। ठीक है, दो हमारे पास क्या हो गए, ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेडियंट लेना है और इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे और यहाँ से हमने जो एक स्वाच कलर ऐड किया था ये वाला ले लिया और दूसरी जगह दूसरी तरफ क्या है, दूसरा कलर हम ऐड कर देंगे और ये हमारा जो है वो एक डार्क बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको कंट्रोल 2 प्रेस करके क्या कर देना, लॉक कर देना ताकि ये जो है वो मूव ना करे और हमारे जो है ऊपर शेप जितने भी होंगे उसके ऊपर हम एडिटिंग कर सकें। ठीक है, कंट्रोल 2 इसकी शॉर्टकट कमांड है या फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आके यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं। सिंपल मैंने अभी लॉक कर दिया तो इसलिए ये हमारे पास डिसेबल हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है, शिफ्ट प्रेस करके आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल ड्रॉ हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ सेंट्रलाइज कर लेता हूँ और इसका जो फिल कलर है वो मैं क्या करता हूँ नन कर लेता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है वो उसको मैं वाइट कलर का करके इसका स्ट्रोक की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 10 तक या 12 तक जो है वो मैंने स्ट्रोक की वैल्यू ले ली। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट में जाना है, आपने ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने एक्सपैंड कर देना और फिल और स्ट्रोक को आपने ओके रहने देना है और यहाँ पे क्या कर देना, ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में दोबारा जाना है, यहाँ पे पाथ और यहाँ पे आके ऑफसेट पाथ को सिलेक्ट कर लेना है। ऑफसेट पाथ को सिलेक्ट करके आप इसकी वैल्यू जितनी रखेंगे आपके ऊपर है, ये मैंने 70 पिक्सल रखी है तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना, उसके बाद ओके कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑफसेट पार्ट है, इसका फिल जो है वो आपने क्या कर लेना है, वो कॉर्नर पे जो होगा उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो गया, ये एक ब्लैक कलर का ऑफसेट पाथ हो गया ऊपर और नीचे जो है वो हमारे पास एक रिंग बन गई है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इनको ब्लेंड के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे आपके पास प्लस आएगा, इसको क्या कर देना है, ब्लेंड कर देना है। ठीक है, ब्लेंड करके हमारे पास है ये दोनों सेंटर में, सेंट्रलाइज कर लेना दोनों को अगर ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, आपने सेंट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे ओपेसिटी में आ जाना, ओपेसिटी में जाने के बाद आपने क्या करना है, कलर डॉच के ऊपर क्लिक करना तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये देखें ये कुछ यूं का हमारे पास जो है वो रिंग बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप रिंग को आराम से मूव कर सकते हैं, सिंपल जहाँ भी लेके जाएंगे वहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, रिंग बन गई है। उसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो कलर्स स्वाचेस में जाके कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करने हैं, आपने जहाँ से हमने जो है वो दो स्वाचेस वगैरह बनाए थे उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने प्रीव्यू को ऑन करना है। प्रीव्यू को ऑन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये हमारे पास कलर्स आ रही है, इनके साथ थोड़ा सा आपने जो है इसमें चेंजिंग वगैरह करके देख लेनी है। चेंजिंग करेंगे जो आपको जो है वो इसमें बाकायदा फर्क नजर आ रहा होगा, मैं साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे ज्यादा नहीं करना आपने, नहीं तो ये देखें ज्यादा अगर मैं करूंगा तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ माइनर सा चेंज करना है इसके अंदर ताकि हमारे लिए सिर्फ रिंग रिंग के ऊपर रहे और यहाँ पे जो है वो आपको जहाँ पे अच्छा लगता है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको ओके कर देना, आपने यहाँ पे ये डन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने एक छोटा सा इलिप्स और ड्रॉ करना है।
या सर्कल ड्रॉ करना है। इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपल जो ग्रेडियंट है बाय डिफॉल्ट इसको क्लिक करना है, और इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके आपने यहाँ पे ब्लैक के ऊपर क्या कर देना, या फिर आप यहाँ पे ला के सिंपल कलर पे भी आ सकते हैं। ब्लैक के ऊपर आपने क्या कर देना, इसको क्लिक कर देना, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ब्लैक हो जाएगा, और रेडियल को जो है वो आपने आयरिस कर देना है, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी में जाके ब्लेंड मोड आपने दोबारा क्या कर देना, कलर डॉच कर देना, ठीक है। तो कलर डॉच करेंगे जैसे, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाला इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे इन दोनों, ये दोनों शेप जो है आपस में कनेक्ट हो गई हैं, अब यहाँ पे हमारे पास ये इफेक्ट बन गया है, ठीक है। तो यूं जो है वो आप अपनी शेप्स वगैरह में इफेक्ट्स डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।